एक साधु मुझसे कह रहा था मेरे को ईर्ष्या बहुत होती है। अरे हमने कहा तुम साधु हो गए ईर्ष्या होती तो किससे होती? बोले अपने ही गुरु भाइयों से होती ईर्ष्या। तो मैंने कहा बहुत खतरनाक है तू, अपने ही गुरु भाइयों से ईर्ष्या। तो मैंने कहा मेरा चेला मेरे चेला से ईर्ष्या कर रहा। बोले इसी में मैं खुश नहीं रह पाता, मुंह ऐठता रहता हूं, जल भुन के राख हो गया, क्या करूं। ईर्ष्या जलन खलन ये बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या करने में जलन करने में महिलाओं ने 55% बाजी मारी है और पुरुषों ने 45% और साधुओं ने 90%। अरे साधु भगवान बचाए इससे। मैं तो सच बात बताता हूं, कुछ साधुओं में भी ऐसे लोग हैं जब कोई साधु उन्नति करने लग जाता है तो उनके सीने पर सांप लूटने लग जाते हैं। ये तो महान संत हैं, श्री रतन साहेब जी, पूज्य रतन साहेब जी स्वामी जी साधारण नहीं है। ये तुम्हारे गांव में जन्म लिए, गांव में पले पोसे, गांव में स्कूल खोला, गांव में आश्रम बनाया, तुम्हारे साथ घूमते रहते नहाते रहते, कहीं पीठ खोले हुए हैं, तुम सोच रहे ऐसे ये नहीं। दिल के बहुत निर्मल हैं, पवित्र हैं, कमल हैं, धवल हैं, क्योंकि उनकी गद्दी दूसरी है और मेरी गद्दी दूसरी है। दूसरी और तीसरी गद्दी का भेद छोड़ करके और मुझे बुलाकर ककरैया में सत्संग की वर्षा करवाते। ये वही कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या जड़ मूल से नष्ट हो गई। अन्यथा सोचेगा अरे असंग साहब तो विशाल देव वाले हैं, क्षमा देव वाले हैं, लखीमपुर वाले हैं, जाने दो वाले साले इधर उधर गाली भी दे देंगे। लेकिन नहीं, सब छोड़ दिया उन्होंने कि चाहे जहां के हो, शकर किसी खेत के गन्ने की बनी हो, हम उसको दूध में डालकर घोलकर पी लेते हैं, और घी किसी भी भैंस का हो उसको लेकर चम्मच से दाल में डालकर खा लेते हैं, और टमाटर किसी भी खेत का हो सब्जी बनाकर खा लेते हैं। तो असंग देव चाहे जहां के हो, इनके ज्ञान का हम लोग प्रयोग करके कल्याण क्षेत्र का कर देंगे। तालियां बजती तो हैं लेकिन अधमरी है। तुम लोगों को भी ईर्ष्या है, इसीलिए ना हंसते हो ना ताली बजाते हो, अंदर अंदर जल भुन के राख हो गए लोग। अरे तुम्हें क्या लफड़ा है, बजाओ ताली, जोर से बजाओ, बस बंद करो। मैं छोटा था, 22 साल का, तो सत्संग कर रहा था लखनऊ में, तो मुझे शर्म लग रही थी, संकोच लग रहा था, लज्जा लग रही थी। पहला पहला मौका था, प्रैक्टिस थी नहीं, तो पद्मासन में बैठा था पलथी मार के, तो आदमी शर्माए जाते हैं तो अपने पाँव के अंगूठा भी मरोड़ा करते, तो हम अंगूठा अपने पाँव के ऐंठित रहने मरोड़ित रहने वह हम जुटे रहे क्योंकि शर्मन मारे खा कर। तो एक साधु पीछे बैठा था, पुराना साधु था, उम्रदार था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंगूठा छोड़ा दिया। तो हम पीछे मुड़ के देखे, बोले मुड़ के मत देखो, अंगूठा मत पकड़ो, ठीक से प्रवचन करो, एक दिन तुम एक नंबर के संत बनोगे, इसलिए इधर देखना मत, अंगूठा पकड़ना मत, हम इसीलिए बैठे अंगूठा पकड़े न देवे। तो सत्संग खत्म हुआ तो उससे मिले, हमने कहा साहेब कहाँ रहते हो आप? बोले अता पता की जरूरत नहीं, अंगूठा न पकड़ो, प्रवचन सुना कर। तब से वो साधु का दर्शन नहीं हुआ, अगर होता दर्शन तो मैं उसको 1,00,000 दक्षिणा देता, पता नहीं कहाँ का था। लेकिन उसका मन निर्मल था, उसके मन में ईर्ष्या नहीं थी। मैं तो छोटा था, वो 60 साल का था, उसके मन में था चलो ये संत अगर आगे बढ़ रहा है तो इस पंथ का चमत्कार करेगा, ज्ञान फैलाएगा, इसको आगे बढ़ेगा।
संतों में बहुत प्रेमी संत भी होते हैं। कल अयोध्या से आए हुए महान संत श्री परीक्षा साहेब जी के शिष्य श्री क्या नाम सर स्वरूप शरण साहब, ये भी बड़े प्रेम से भरे हुए कह रहे थे, साहेब जी आपने जो काम किया है इस पंथ में बहुत बड़ा काम किया, हर क्षेत्र में किया, ये वही कह सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, नहीं तो नहीं कह पाएगा। और याद रखना, विदुर जी कहते हैं ईर्षु घृणीना संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्य जीवी चा खड़े थे नित्य दुखिता असक्तास तत्पदम प्रक्रोते ततो निंदम। ईर्ष्या घृणा क्रोध असंतुष्टि संदेह दूसरे की कमाई पर जीने की आदत, ये मनुष्य को हमेशा दुख के कुएं में ढकेल देती है। इसलिए किसी को गरीब समझकर कमजोर समझकर घृणा भी मत कीजिए, प्रेम कीजिए। तुम्हें सुख कोई नहीं दे सकता है, तुम जब प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे चारों तरफ सुख टपकने लग जाता है। जब तुम ईर्ष्या द्वेष नफरत से भर जाते हो तुम्हारे चारों तरफ दुख की बरसात होने लग जाती है, द्वंद की वर्षा होने लग जाती है। इसलिए अपने को प्रेम का सागर बनाइए ताकि आपकी जिंदगी में सुख शांति की लहरें उठने लग जाए। ये खाली नहीं बैठना है, तुम्हारे को काम की ड्यूटी है, जहां दमदार सत्संग उठाऊं तो ताली बजाओ। तुम सोचो हम बैठ रही कुर्सी पर आराम से अधमरे अधमरे बैठे न देवे जिंदा करके ताली। हाँ, हम भी मेहनत करें, तुम भी कुछ करो, क्योंकि देखिए हम किसी की नकल नहीं करते। दूसरे संत कैसा प्रवचन करते, किस तरह करते, क्या बोलते, हमसे मतलब नहीं। हमारा एक नया अंदाज है, हमारा एक नया फार्मूला है, नई शैली है, नई मेथड है, नया तरीका है, और उस नए मॉडल के साथ हम पेश आते हैं। क्योंकि मेरा संस्कार है कि आनंद में रहूं और तुमको परमानंद में रखूं। क्योंकि तुम गृहस्थ आश्रम में हो और गृहस्थ आश्रम जंजालों का आश्रम है, बवालों का आश्रम है, माया जाल का आश्रम है, झंझट का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम टेंशन का आश्रम है। यहां पर एक क्षण आदमी को चैन नहीं मिलती है, लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में रह करके हंसते हंसते जिंदगी जीने की कला सिखाना मेरा काम है, मेरा काम है। पति पत्नी दोनों हंसा करो, पड़ोसी देखें तो कहीं दोनों सिर्री हुई गई काम, तो तुम बता दो सिर्री होना है तो असंग साहिब के सत्संग में जाओ, सिर्री नहीं बनाओ थे, हम सिर्री पैदा करते। कौन नहीं है सिर्री, कौन नहीं है पागल, कौन नहीं है दीवाना। कोई शराब के लिए पागल है, कोई व्यभिचार में पागल है, कोई लोभ में पागल है, कोई मोह में पागल है, और कोई किसी लफड़े में पागल है, कोई बीड़ी सिगरेट के लिए दीवाना है। आप तो महान हो जो गुरु के सत्संग में पागल हो और गुरु के लिए दीवाने। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक व्यक्ति के मोबाइल में मैंने देखा लिखा था कि तलब लगी है मंजिल पाने की और लगता है कि खुद को आग में झोंक दो। तो हमने कहा ये लिखता है झोंकता नहीं है। तो उससे पूछा तूने ऐसा क्यों लिखा, बोले दो तीन और लोग थे वो भी इसको पसंद किए तो लिख दिया। तो हमने कहा झोंका नहीं, बोले लिखा हूं, कोई झोंकना चाहे झोंके, हम नहीं झोंकेंगे। कहां आग लगी है, संत तो लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है, याद रखना। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जर मरता संसार, जर मरता संसार।
हर व्यक्ति के हृदय के आंगन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने का काम कौन करेगा? इसको तो संत महात्मा अपने सत्संग रूपी शीतल जल से तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं और तुम्हारे भीतर शीतल शांति पैदा कर देते हैं। शीतल शांति बोलिए सत्य।